This is Abhishek. Welcome to another episode of Guitar Lessons. आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. How to begin with an acoustic guitar. कुछ बिगनर्स को आइडिया नहीं होता है कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए एंड कौन सी एक्सरसाइजेस को पहले करना चाहिए. तो आज इस वीडियो में मैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बातचीत करूंगा जिनके थ्रू आप अपने एकोस्टिक गिटार को लर्न करना शुरू कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Well, thank you so much people for your love and support. ऐसे ही videos को share करते रहें और जो viewers आज यहाँ पे नए हैं उनसे एक छोटी सी request रहेगी, just subscribe the channel. आज जो important points के बारे में बातचीत करेंगे उसमें से पहला है holding a guitar, second placing your fingers, third exercise. Let's talk about how to hold a guitar. Guitar का जो ये वाला curve होता है आपने उसको अपने right वाले lap पे रखना है. मेक श्योर कि जो आपका जो लैप है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे नीचे को नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, बिल्कुल चेयर पे बैठ के आपने अपने लैप को स्ट्रेट रखना है एज इट इज और गिटार को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे अपने बैक के साथ ताकि वो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट रहे. ऑलराइट, एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं गिटार को करना, ना आपने ऐसे करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए. सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्लेस योर हैंड्स एंड फिंगर्स. जो आपका राइट एल्बो है वो गिटार के इस वाले पार्ट पे प्लेस होगा. ऑलराइट, जिस तरह आप देख पा रहे हैं. और जो आपका रिस्ट है राइट हैंड का रिस्ट वो यहाँ पे गिटार के इस वाले पार्ट पे, इसको बोलते हैं सेडल, यहाँ पे प्लेस करेंगे. ऑलराइट, और पिक के पकड़ने का जो स्टाइल रहेगा वो ध्यान से देखिए, इंडेक्स फिंगर को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, पिक को रखेंगे और थंब से ग्रिपिंग देंगे लाइक दिस. राइट, अब आपने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है सबसे नीचे वाली जो फर्स्ट स्ट्रिंग होती है उसको डाउन अप में प्ले करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, स्टेप बाय स्टेप आपने सारी स्ट्रिंग्स को प्ले करना है. यहाँ पे रेस्ट जो होता है हमारा, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं यानी मूव कर सकते हैं. जब आप ऊपर आओगे अपनी स्ट्रिंग्स को प्ले करने के लिए तब आप अपने रिस्ट को इस तरह मूव कर सकते हो. ऑलराइट, अगर आपने सबसे ऊपर वाले स्ट्रिंग को प्ले करना है तो रिस्ट को मूव कीजिए और डाउन अप में प्ले कीजिए. ऑलराइट, हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आपने स्ट्रिंग्स को प्ले करना है आपने नीचे से ऊपर प्ले करना है. सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. लेफ्ट हैंड में जो हमारे लेफ्ट हैंड का थंब है वो गिटार के नेक पे रखेंगे इस तरह. मैं अपने हैंड का जो थंब है वो यहाँ पे प्लेस करता हूँ गिटार की फर्स्ट फ्रेट लाइन के ऊपर. अगर आपका लेंथ थोड़ा सा बड़ा है तो आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं या यहाँ पे, जो आपको सही लगे वो आप कीजिएगा. मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और जो हमारी फिंगर्स हैं हमने यहाँ पे फ्रेट नंबर्स पे रखनी है. रिलेटिव फ्रेट्स पे रिलेटिव फिंगर्स लगेंगे लाइक फर्स्ट पे फर्स्ट, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ. जो आपका थंब है वो रिप्लेस नहीं होगा, थंब अपनी जगह पे रहेगा, वो इस तरह मूव कर सकता है. जो आपकी फिंगर टिप्स हैं नेल के नीचे वाली स्किन आपने उसको यूज़ करना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रेस करना है लाइक दिस. इंडेक्स फिंगर प्लेस होगा फर्स्ट फ्रेट पे, मिडल फिंगर सेकंड फ्रेट पे, रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट पे, स्मॉल फिंगर फोर्थ फ्रेट पे. ध्यान से पैटर्न देखिए, यहाँ से जो हमारा राइट वाला हैंड है वो डाउन अप में चलेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा. एंड यहाँ पे टर्न बाय टर्न हम स्ट्रिंग को प्ले करेंगे और फिंगर प्लेसमेंट करेंगे. फिंगर प्लेसमेंट का जो पैटर्न रहेगा वो देखिए, ओपन, वन टू थ्री फोर. अब प्ले करते हैं ओपन. जिन नोट्स को हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं होती वो ओपन नोट्स होते हैं लाइक दीज, ये सारे ओपन नोट्स हैं. जिनको हम प्रेस करते हैं दीज आर क्लोज नोट्स. ऑलराइट, अब इस पैटर्न को प्ले करते हैं ओपन, वन टू थ्री फोर. आई रिपीट, ओपन, वन टू
ख्याल रखिएगा, आपने जो प्लेसमेंट करनी है वो फ्रेट लाइन के बिल्कुल पास में करनी है। इसका रीजन क्या रहेगा, जब हम यहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं नोट्स जो है वो म्यूट अप हो जाते हैं, हमें नोट्स को म्यूट अप नहीं करना है। जब हम यहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं तो नोट्स की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए, ऑलराइट, हमें नोट्स को म्यूट अप नहीं करना है। तो जो प्रेसिंग है उसमें आपने अपने थंब को यूज करना है और थंब को भी प्रेस करना है, उसमें जो आपका प्रेशर है फिंगर्स का वो अच्छा हो जाएगा। सो टर्न बाय टर्न आपने अपने फिंगर्स को लगा के देखना है, प्रेस करके देखना है, ताकि नोट्स जो है वो इजीली लगे। स्टार्ट बाय द स्लो, प्रोसेस जो है वो स्लो रखिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू एक्सरसाइज। अब हमें पैटर्न्स का पता है, राइट, अब हमें फिंगर्स का पता है कैसे प्लेस करनी है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, इन एक्सरसाइजेस को मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेशन, देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ द हैंड्स। अब हम ऊपर वाली स्ट्रिंग से शुरू करेंगे, सिक्स स्ट्रिंग से, और नीचे वाली स्ट्रिंग तक प्ले करेंगे ये वाला पैटर्न, ऑलराइट। यहाँ से आपका जो रिस्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ऑलराइट। तो हम प्ले करेंगे ओपन 1 2 3 4, देन नीचे वाली स्ट्रिंग, एंड एज अ लैडर हम नीचे वाली स्ट्रिंग तक प्ले करेंगे सेम पैटर्न को। सो लेट्स प्ले ओपन 1 2 3 4, अब नीचे वाली स्ट्रिंग ओपन 1 2 3 4, अब नीचे वाली, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऑलराइट। अब इसको थोड़ा सा तेज प्ले करते हैं, जब आपको लगे आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं, तब आपने नेक्स्ट 4 फ्रेट्स को ग्रैब करना है, लाइक 5th, 6th, 7th एंड 8th। यहाँ पे आपने जो पैटर्न रखना है उसमें ओपन नोट्स नहीं लगेंगे, आपने प्लेसमेंट करना है 1 2 3 4, नेक्स्ट स्ट्रिंग 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 1 2 3 4। इसी तरह आपने ये वाले फ्रेट्स भी प्रैक्टिस करने हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप ये वाले 4 फ्रेट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आज के लिए इतना ही। आप इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस कीजिए, हैंड मूवमेंट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही लेसन्स, कुछ ऐसे ही वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक। स्टे पॉजिटिव, स्टे पैशनेट, स्टे म्यूजिकल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।